यार इतना ट्रैफिक बढ़ चुका है ना कि आई एम श्योर एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर एन ऑटोमेटिक कार। इसीलिए मैंने ये बात सोचकर आपके लिए भी एक लिस्ट बनाई है कि टॉप 5 ऑटोमेटिक कार्स कौन सी है अंडर 10 लाख रुपीज इन इंडिया राइट नाउ। लेकिन ये वीडियो शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप ये वीडियो लाइक जरूर करें, और अगर आपको ऐसे लिस्टिकल वीडियो पसंद है तो हम आपके लिए हर हफ्ते लाने वाले हैं ऐसे वीडियो, तो सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को। तो लिस्ट में जो पहली गाड़ी है वो गाड़ी सबको पसंद है, एक्चुअली वो कंपनी सबको पसंद है, एंड दैट इज India's People's Choice। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी बलेनो की, जो हाल ही में अपडेट हुई थी और उसे एक CVT निकालकर एक AMT ट्रांसमिशन दे दिया गया था। तो बलेनो ऑटोमेटिक की जो प्राइसिंग शुरुआत होती है ना, वो शुरुआत होती है 7,60,000 रुपीज एक शोरूम से और जाती है 9,60,000 एक शोरूम तक। वैसे दोस्तों अगर आप बलेनो देख ही रहे हो तो डेफिनेटली इट गोज विदाउट सेइंग कि टोयोटा ग्लांजा इज ऑल्सो योर ऑप्शन, क्योंकि दोनों एक्चुअली एक ही गाड़ी है, एक ही कंपनी बनाता है और बस टोयोटा अपना बैच लगाकर उस पर वो गाड़ी बेचती है। और वैसे अगर आप मारुति सुजुकी के बारे में सोच ही रहे हो तो ये मंथ एंड में आने वाली है ऑल न्यू ब्रेजा, लेकिन उसकी जो इंजन और ट्रांसमिशन है ना उसे मिलने वाला है एक नया 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और साथ में शायद 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर। ये सेटअप हमने ऑलरेडी मारुति सुजुकी के XL6 में देख ही लिया है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं सेकंड कार की तरफ, एंड सेकंड कार जो है ना वो बलेनो की बहुत ही बड़ी राइवल है। मैं बात कर रहा हूँ Hyundai i20 की। और एक बात है, Hyundai i20 जो है ना उसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में इतने सारे ऑप्शंस है कि बहुत ही वैरायटी मिल जाती है आपको। Hyundai i20 के साथ देता है IMT, इसका मतलब है मैनुअल गियरबॉक्स बिना क्लच के, फिर एक CVT एंड टॉप ऑफ द लाइन DCT गियरबॉक्स भी ऑन ऑफर है। वैसे i20 IMT की प्राइसिंग शुरू होती है 8,84,000 एक शोरूम से, और बाय द टाइम आप टॉप मॉडल की तरफ देख रहे हो ऑटोमेटिक की, उसकी प्राइसिंग आ जाती है 11,50,000 के आसपास। और वैसे अगर आप हैचबैक्स में इंटरेस्टेड नहीं होना तो आई एम श्योर क्रॉसओवर SUVs तो आपको पसंद ही आएंगे। तो क्रॉसओवर SUV सेगमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आई विल टेल यू व्हाट, देयर आर 2 व्हीकल्स एक्चुअली जो एक्चुअल में शायद वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है, क्योंकि उन गाड़ियों की प्राइसिंग अफोर्डेबल रेंज में है एंड वो काफी ज्यादा मटेरियल भी आपको ऑफर करती है। तो मैं बात कर रहा हूं रेनो काइगर की एंड निसान मैग्नाइट। वैसे दोस्तों ये है तो दो अलग गाड़ी, लेकिन इफेक्टिवली इंजीनियरिंग वाइज दे आर द सेम व्हीकल्स। सिर्फ एक बात है, काइगर में आपको मिलता है 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, एंड वो इंजन आपको AMT के साथ भी दिया जाता है जो मैग्नाइट में नहीं मिलता। अगर आप मैग्नाइट चाहते हो ऑटोमेटिक तो आपको मिलता है एक टर्बो पेट्रोल इंजन एंड CVT गियरबॉक्स। वैसे ये सेम सेटअप काइगर में भी अवेलेबल है। वैसे काइगर ऑटोमेटिक की प्राइसिंग शुरुआत होती है 8,00,000 रुपए एक शोरूम से और जाती है 10,60,000 रुपए तक एक शोरूम। और जैसे मैंने कहा मैग्नाइट में थोड़ा सा पावरफुल इंजन मिलता है, द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल विद CVT, तो उसकी प्राइसिंग शुरू होती है रफली 9,00,000 रुपए एक शोरूम से, एक्चुअल में 8,88,000 रुपीज एक शोरूम, और चली जाती है ऊपर 10,35,000 रुपए तक एक्चुअली। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेडान सेगमेंट में। एक्चुअली सेडान तो पूरी साइज की मिलती नहीं है आपको, आपको सब 4 मीटर सेडान मिलती है। इसका ये मतलब है कि गाड़ी की लेंथ 4 मीटर के अंदर होती है, और इसमें सबसे पॉपुलर चॉइस है मारुति सुजुकी डिजायर, Hyundai की ऑरा, एंड द व्हीकल जो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ वो है होंडा अमेज। तो अगर आप सब 4 मीटर सेडान चाहते हो जो 10,00,000 के नीचे हो तो मैं तो रेकमेंड करूंगा होंडा की अमेज, क्योंकि उसे मिलता है एक 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और एक CVT गियरबॉक्स। वैसे इस सेगमेंट में होंडा की क्वालिटी एक्चुअल में बेटर है और ये काफी वैल्यू फॉर मनी कार है। और एक और अच्छी बात होंडा अमेज की ये है कि होंडा अमेज अवेलेबल है आपको ऑटोमेटिक सिर्फ टॉप वेरिएंट में एंड दोनों पेट्रोल और डीजल फॉर्म में देती है होंडा से। तो होंडा अमेज पेट्रोल की प्राइसिंग तो एक्चुअल में 10,00,000 के नीचे है, रफली 8,30,000 रुपीज एक शोरूम, लेकिन डीजल जो मॉडल है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है एंड इट गोज अप टू 11,40,000 एक शोरूम। तो होंडा अमेज अगर आप कंसिडर कर रहे हो और अगर आपको डीजल व्हीकल चाहिए तो शायद आपको थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आते हैं आखिरी कार पर जो हमारी लिस्ट में है, लेकिन वो सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और मैंने इसे जानबूझ के लास्ट में बचा के रखा था, वो है टाटा की नेक्सॉन। Yes, I really think it is a value for money proposition. ये गाड़ी अच्छी बिल्ट है, ये आपको बहुत सारे फीचर्स देती है, और ये जो ऑप्शन भी है पेट्रोल ऑटोमेटिक और डीजल ऑटोमेटिक, ये टाटा बार बार स्पाइस अप कर रहा है मल्टीपल वेरिएंट्स लाकर। तो भले ही ये गाड़ी पुरानी हो, इसे काफी सारे अपडेट्स मिलते ही जा रहे हैं। लेकिन जो कि नेक्सॉन है, क्रॉसओवर SUV है, उसकी स्टार्टिंग प्राइस तो 10,00,000 के नीचे है, लेकिन उसकी जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग ना 10,00,000 से काफी ऊपर हो जाती है। तो नेक्सॉन पेट्रोल ऑटोमेटिक की प्राइसिंग शुरू होती है 9,20,000 एक शोरूम से, और अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की बात करें जो डीजल ऑटोमेटिक है, और अगर आपको वो काजीरंगा एडिशन में चाहिए हो तो आपको शायद ज्यादा पैसे देने पड़े, जो है 13,90,000 रुपए। लेकिन ऑफ कोर्स बीच में आपको बहुत ऑप्शंस मिलते हैं,
मल्टीपल वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक अवेलेबल है विद द टाटा नेक्सॉन, तो ये एक काफी अच्छी बात है और ये वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन बन जाता है। तो वैसे दोस्तों ये थी हमारी टॉप 5 ऑटोमेटिक कार्स अंडर 10 लाख रुपीज। आप हमें बताइए आपको कौन सी पसंद आती है, क्या वो गाड़ी इस लिस्ट में है या वो गाड़ी इस लिस्ट में हमने कंसिडर नहीं की। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपकी कौन सी चॉइस होगी अगर आप ऑटोमेटिक व्हीकल लेने वाले हो 10 लाख के अंडर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, सब्सक्राइब करना ना भूले, फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।